दोस्तों ये कार हमारी ऑफ रोडिंग करने के बाद में देखिए कितनी गंदी हो गई है और इसको अब हम लेकर के जा रहे हैं धोने के लिए। यहाँ पर एक रिवर है, उस रिवर में इस कार को हम धोएंगे और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का इसका टेस्ट भी करेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम इस कार को धोएंगे और ऑफ रोडिंग इसकी कैसी रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं ऑफ रोडिंग टेस्ट पर। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करते हुए एक रिवर के पास, जहां इस इग्निस जेटा को हम वॉश करेंगे। ये आगे एक पत्थर आ गया है, अब मुझे कार को पीछे रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है इग्निस जेटा की वो 180 mm है, जो कि सफिशिएंट है किसी भी ऑफ रोडिंग करने के लिए। जैसे उबड़ खाबड़ ट्रैक में ये गाड़ी ज़रा भी फंसती नहीं है। और अभी थोड़ा सा मैं इसको साइड से ले जा करके वाटर के अंदर खड़ा करूँगा और वहीं पर इसको हम वॉश करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ की सीनिक ब्यूटी बहुत ज़बरदस्त है, देखिए ये गाड़ी अंदर जा रही है मेरी। मैं अपनी कार को पानी के अंदर तो वॉश नहीं करूंगा क्योंकि हम रिवर के पानी को ख़राब नहीं करेंगे। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था कि ये कितनी डेप्थ में अंदर जा सकती है। तो यहाँ पर इसकी जो गहराई है लगभग 1 से 1.5 फीट है, तो आप देख सकते हैं उसके बावजूद भी ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। और अब मैं अपनी कार को पीछे की तरफ लेकर के आ रहा हूँ और बाहर हम अपनी कार को वॉश करेंगे। लेकिन जब मैं इस कार को इस वाटर के अंदर ले गया था, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बिल्कुल भी टच नहीं हो पाया था वाटर की सरफेस के ऊपर। और आप देख सकते हैं यहाँ कितने मोटे मोटे पेबल्स हैं, लेकिन फिर भी कार का नीचे का पोर्शन अनडैमेज्ड है। फ्रेंड्स हैं, आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं, परफेक्ट है ये। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी चलेगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये गाड़ी पसंद आई या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।